हेलो मैं डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी मिस्टर प्रेम कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों का ओके साइंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आपको जैसा कि पता है अभी होली का माहौल चल रहा है, काफी खुशनुमा माहौल है। अभी कुछ देर पहले हम आपके बायो वाले सर और फिजिक्स वाले सर, हम तीनों आदमी आपसे रूबरू भी हुए थे। और अभी जो आपका जैसे अभी पहला क्लास आपका अभी बायो का कंप्लीट हो चुका है, देन फिजिक्स, और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के क्लास को। और अभी फिलहाल जितने बच्चे हो, राजकुमार सिंह हाय, अभिषेक यादव गुड इवनिंग बाबू। लेकिन आज आपको पता है थंबनेल भी आप लोग लगा हुआ देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही इंपोर्टेंट लेक्चर है आज सॉल्यूशन चैप्टर का, विलयन चैप्टर का, वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब एवं रॉल्ट के नियम। तो इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले चाहेंगे कि जो बच्चे अभी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं कृपया करके सेशन को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आकर के जुड़ सके, फिर मजा आएगा, क्लास को स्टार्ट करेंगे। एकलव्य कुमार हेलो सर, 2024 का मेरा रिजल्ट आ गया, केमिस्ट्री में 88 आया, बहुत बहुत थैंक यू। देखो बच्चों यहाँ पे भी एक बच्चे आए हमारे पिछले साल के एकलव्य कुमार, जिनका 2024 का रिजल्ट आया है और उन्होंने बता रहा है कि केमिस्ट्री में इनको 88 मार्क्स आया है। बच्चे आपने पढ़ाई कहां से किया था? नीतीश कुमार है, एकलव्य कुमार आपने पढ़ाई कहां से किया था बाबू? ऑफकोर्स यहीं से आपका क्लास किए होंगे केमिस्ट्री का। इवन मैथ वाले भी बच्चे हमारे थे, या इवन हमारे बायो के भी बच्चे थे, या फिजिक्स के भी बच्चे थे, जो भी बच्चे थे उन सभी बच्चों का हर सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है। और ये पावर है ओके साइंस एकेडमी का। अभी एक बच्चा आपके सामने आकर के ये कॉमेंट करके जा रहा है, एकलव्य कुमार नाम का एक स्टूडेंट है जिन्होंने 2024 में यहां से क्लास किया था और इनको केमिस्ट्री में 88 मार्क्स आया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। बहुत अच्छे शानदार नंबर है बाबू। चलिए, और आप लोगों को भी मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अगले साल इसी तरीका से आए और हमारे कमेंट में आकर के यहां पे मैसेज करें, सर 88 नहीं, आप लोग 98 मार्क्स लेकर के आए। और आएंगे अगर आप लगातार यहां जुड़ेंगे और पढ़ाई करेंगे तो जरूर आएंगे, ठीक है। और बाकी और भी कोई बच्चे हैं, हमको लग रहा है कि आज बहुत सारे बच्चे आएंगे क्योंकि 2024 का बिहार बोर्ड का आज एग्जाम का रिजल्ट आया है। और उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और मैं चाहता हूं आप लोग भी अगले साल इसी तरीका से रिजल्ट लेकर के आओ। नीतीश कुमार हाय, राहुल कुमार गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए बाबू, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो तीनों सर हैं, हमारे जो दोनों सर हैं, फिजिक्स वाले सर और बायो वाले सर, ये लोग भी हमारे साथ आए और वो उन बच्चों को यहां पे एक ओके साइंस एकेडमी की पेड कोर्स से और यूट्यूब से बहुत बहुत, देखो एकलव्य कुमार बहुत अच्छा रिजल्ट है बाबू आपका, ओवरऑल मार्क्स भी आप बता दो, हालांकि केमिस्ट्री में आपका नंबर बहुत अच्छा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। पावर ऑफ ओके साइंस एकेडमी, वेल डन अभिषेक यादव, यही है पावर। मैं यही बोलता हूँ कि एक जगह पे पढ़ाई करो, रेगुलर जुड़ा करो, काफी मजेदार यहाँ से पढ़ाई होती है। और हमारे आप एकलव्य कुमार क्या रिजल्ट आप लोग देख ही रहे होंगे बच्चों, जैसा कि आपने रिजल्ट देखा आपको पता चल गया होगा ओके साइंस एकेडमी कितनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, समझ गए बच्चे, और आप जुड़े हुए हैं। हाँ बच्चे, तो आप देख ही रहे होंगे, तो बच्चे आशा करते हैं कि आप लगातार इससे जुड़े रहिए। बहुत बढ़िया बच्चे, मैथ में 86, फिजिक्स में 74, बच्चे सब में डिस्टिंक्शन पा रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। एकलव्य कुमार बहुत अच्छे बच्चे, सारे बच्चे देख रहे हैं आप लोग। तो बच्चे यहाँ पे ये पावर है ओके एकेडमी का, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन टीचर है, बेहतरीन टीचिंग स्किल्स है बच्चे यहाँ पे। आपको पता चल ही रहा होगा, आप पढ़ ही रहे होंगे बायो वाले सर से, केमिस्ट्री वाले सर से, और बच्चे हमसे तो पढ़ ही रहे। तो बच्चे अपने जो जूनियर हैं, आप जूनियर जो भी हैं या आपके दोस्त लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, सबको बोलिए ऐप पे ज्वाइन करने के लिए, एडमिशन के लिए, और अगले साल जरूर 95 प्लस हम लोग क्रॉस करेंगे एकदम, जो टॉपर जरूर देंगे बच्चे। सारे स्टूडेंट्स को मैं बात से बोलते रहा हूँ, एकेडमी ऐसी चैनल है जो क्वालिटी, और हम लोग का जो गोल होता है वो क्या होता है, क्वालिटी। बहुत बार मैं ट्रेंड देख, खास करके बिहार में, मैं साल भर नहीं लास्ट में जाके तो एक्टिव होता टाइम निकल, तो मैं एक्टिव होने ताकि वो अपना क्या एक्सपीरियंस, तो सारे बच्चे आप भी बहुत कंसिस्टेंट वे में कंटिन्यू क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपका भी जो रिजल्ट होगा वो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि हमारी जो चैनल है ये क्वालिटी एजुकेशन क्या करती, बिलीव करती है। तो आप लोग भी जुड़े रहे, अपने जूनियर्स को क्या करें, आप सजेस्ट करें, अब तो आप लोग सीनियर
एक साल, तो आप लोग अपने जूनियर्स को सजेस्ट करें, उन्हें भी ज्वाइन करने के लिए बोलें और उनको बताएं कि अगर उन्हें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, लाइफ में सक्सेस करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को समझना है, वो लाइफ में यूटिलाइज होती है, एप्लीकेशन बेस्ड किस तरह से इन चीजों का एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है, क्वेश्चंस आता है, तो अगर आप लोग को भी क्या करना, लॉजिकली पढ़ना है, तो इस तरह क्या करें, अपने जूनियर्स को सजेस्ट करें। तो मेरा सारे बच्चे से जो ये रिक्वेस्ट रहेगा, तो काफी अच्छा लगा कि एक प्रीवियस ईयर के बच्चे आके अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए, और इससे एक आइडिया लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंट वे में कंटिन्यू पढ़ते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो वो किस तरह का रिजल्ट निकल के सामने आता है। तो मेरी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, तो आई होप कि शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, इसलिए मैं एक फिर से रिपीट कर देता हूं कि अक्सर मैं बिहार में एक ट्रेंड क्या देखता हूं कि बच्चे लास्ट में जाके एक्टिव होते हैं और तब वो सोचते हैं कि अब मैं पढ़ाई कर लेता हूं, तब तक इतना देर हो चुका होता है कि उनके पास गेस क्वेश्चंस रटने के अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं बचता है। तो इससे क्या होता है, एग्जाम तो पास कर जाते हैं, लेकिन बाकी के वो एग्जामिनेशंस में क्या होते हैं, तो उनको सक्सेस पाने बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल हमारे साथ कि हमारे साथ एक बच्चे जुड़े हुए थे और वो कंसिस्टेंट वे में एक साल से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका कितना अच्छा रिजल्ट रहा। तो आप सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को, जूनियर्स को, आप लोग तो थोड़े से सीनियर हो गए, तो जूनियर्स को सजेस्ट करें हमारे चैनल ओके ऑनलाइन अकेडमी और ओके साइंस अकेडमी के लिए। तो अभी क्या है कि अब ठीक आज से एक साल बाद आप लोग भी इस समय में शायद जो है प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट बन के बात कर रहे होंगे, और शायद इसी समय, ठीक इसी समय आप लोग में से कोई स्टूडेंट होगा जिसके बारे में हम लोग अगले साल बोल रहे होंगे कि ये बच्चे थे हमारे साथ पिछले साल से जुड़े हुए थे और देखो इनका कितना अच्छा मार्क्स आया है। तो हमारी जो चैनल है ये क्या करती है, क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करती है। तो आप सारे बच्चे को जो है हम सब सारे टीचर्स के तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक है, जिन्होंने क्या किया एग्जाम दिया है उनको भी, और जिनका एग्जाम आने वाला आज से एक साल बाद उनके लिए भी। तो इसी तरह से अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड को क्या कीजिए, सजेस्ट कीजिए। अभी तो बच्चे आपके एक ही बच्चे का रिजल्ट आया है, अभी तो इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, सबका रिजल्ट तो आना बाकी है बच्चे, तो वेट एंड वॉच, देखते रहिए कितना कितना मार्क्स आता है, और आप लोग अपने दोस्तों को बताते रहिए कि यहाँ पे ज्वाइन करने का क्या मतलब होता है बच्चे, ठीक है। और बच्चे मैं एक बात बता दूं तुम्हें कि ये बहुत बार बार बोल रहा हूँ, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, सबसे कम फी है, मात्र अभी तो 899 है, इससे पहले 999 था, जो भी है वो 1000 के अंदर ही है, और हमें पता है 1000 के अंदर जो होता है वो नॉमिनल फी होता है, तो कोई भी पे कर सकता है बच्चे। तो बेहतर यही होगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और अगले साल बहुत ही बेहतरीन मार्क्स लाएं। तो आप लोगों ने अभी बायो वाले सर का भी बात सुना, फिजिक्स वाले सर का भी बात सुना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब या इस बात को अब यहीं खत्म करते हैं, बस आप लोग भी इसी तरीके से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, फिर स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक को, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं टॉपिक का, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकलव कुमार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका नंबर ठीक अच्छा है, और अब अपने लाइफ में आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जैसा कि आज आप लोग थंबनेल लगा हुआ देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला वेपर प्रेशर एंड रॉल्ट्स लॉ, मतलब वाष्प दाब और रॉल्ट के नियम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, एक बार सेशन शेयर कर दो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मजेदार तरीके से। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबू, देखो वाष्प दाब पहले आपको समझना है, वेपर प्रेशर समझना है कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि वेपर प्रेशर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब, ये क्या होता है। और इस वाष्प दाब से भी पहले हमको समझना पड़ेगा क्या, इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन आप समझ गए, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं, तो ये आप वाष्प दाब भी क्या होगा आसानी से समझ लोगे। तो कंसेस होके मेरी बातों को सुनोगे, चले ठीक है क्लब, चलिए। तो देखो वाष्पन क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास कोई लिक्विड है किसी कंटेनर में, मान लो अभी अपने पास कोई लिक्विड रखा हुआ है किसी कंटेनर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, मान लो अभी यहां पर कोई लिक्विड है, कोई द्रव रखा हुआ है किसी कंटेनर में, ठीक है। तो तुमको पता है कि जब किसी भी द्रव की ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ये वाष्प में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये वाष्प में बदलते रहते हैं। मतलब किसी भी द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक होता है, उससे कम तापमान पे किसी भी द्रव का, किसी भी लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है, वो कण क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट होते रहता है, ये वेपर में कन्वर्ट होता है, वाष्प में बदलता रहता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं।
समझ में आया कि जो भी हमारा द्रव होता है अगर उसको आप कहीं रखे हुए हैं तो वो द्रव का कण क्या होता है धीरे, चूंकि द्रव के कण के अंदर में या किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर में क्या होता है एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी के कारण क्या होता है वो क्या करता है वो धीरे धीरे क्या होता है वाष्प में बदलते रहता है, जिस फिनोमेना को जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं वाष्पन बोलते हैं इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है इवेपोरेशन बोलते हैं, क्लियर है बाबू। तो देखो अब ये जो इवेपोरेशन होता है आपको ये भी पता होगा कि जब कभी भी इवेपोरेशन जब कभी भी वाष्पन होता है तो वो कहां, ये जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है, वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है बाबू इवेपोरेशन की, ये आपका एक सतही प्रक्रिया होता है, पृष्ठीय प्रक्रिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सरफेस फेनोमेनन, क्या बोलते हैं हम लोग इसको सरफेस फेनोमेनन बोलते हैं, सुनना बात को गौर से, क्या बोलते हैं इसको हम लोग सरफेस फेनोमेनन बोलते हैं, ठीक। मतलब जो कण सरफेस पे होगा पहले ये वाला कण क्या होगा वाष्प में बदलेगा, फिर जब ये सरफेस का सारा कण सतह का सारा कण वाष्प में बदल जाएगा उसके बाद जो नीचे वाला कण होगा फिर ये नया सरफेस बन जाएगा तो फिर ये क्या होगा तुम्हारा वाष्प में बदलेगा। मतलब जो आपका वाष्पन जो आपका इवेपोरेशन होता है जिसके कारण किसी भी लिक्विड किसी भी द्रव की जो कण मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं वाष्प में बदलते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पन इवेपोरेशन बोलते है। और ये जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है वो कैसी प्रक्रिया होती है पृष्ठीय प्रक्रिया होती है, ये सरफेस फेनोमेनन होता है। मतलब जो सरफेस के ऊपर में जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है तुम्हारा ये सरफेस का मॉलिक्यूल्स क्या होता है यहां से तुम्हारा वाष्प बन के ऊपर जाता है। ये समझ गया, ये समझ लोगे तो वेपर प्रेशर वाष्प दाब आसानी से समझ लोगे। अभी तुम्हारा ये जो कंटेनर है बाबू ये क्या है, अभी तुम्हारा ये कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, ये जो कंटेनर है अपना ये क्या है ऊपर से अपना कंटेनर क्या है ये खुला हुआ है। लेकिन सोचो अगर यही प्रक्रिया बंद कंटेनर में होता तो अभी मान लो अगर ये ऊपर से खुला था तो इसका जो वाष्प बन रहा था ये वाष्प तो बाहर भाग जा रहा था, ये अंदर रुक ही नहीं रहा था। लेकिन सोचो हम लोगों ने एक बंद कंटेनर ले लिया होता, अगर ऐसा थिंक करके देखो कि हम लोग एक बंद कंटेनर ले लेते इस प्रकार से, और इस बंद कंटेनर में यहां पे क्या रखा होता, यहां तक में कोई द्रव रखा होता, कोई लिक्विड रखा होता, कोई द्रव रखा होता कोई लिक्विड रखा होता, तो द्रव और लिक्विड की जो गुण होती है वो क्या होती है आपकी इवेपोरेशन की गुण होती है, वाष्पन की गुण होती है। तो ये जो लिक्विड का कण होगा वो क्या होगा वाष्प बनेगा, और वाष्प बन के कहां जाएगा यहां से ऊपर जाएगा। जब ये वाष्प बन के ऊपर जाएगा तो देखो ऊपर तो ये ढका हुआ है तो वाष्प को बाहर निकलने का जगह तो है ही नहीं, तो जो खाली जगह अभी इस कंटेनर में इस द्रव के अलावा जो खाली जगह बच गया है उस खाली जगह में इस द्रव का जो वाष्प का कण होगा वो इस खाली जगह में क्या होगा भरेगा, ठीक। लेकिन द्रव का कण वाष्प बन रहा है बन रहा है बन रहा है, और जितना भी खाली जगह था अगर ये खाली जगह पूरा का पूरा भर जाए, जितना भी खाली जगह था अभी इस कंटेनर में वो खाली जगह अगर पूरा का पूरा भर जाए और इसके बाद भी, और अगर इसके बाद भी इस लिक्विड का इस द्रव का कण तुम्हारा क्या हो रहा है वाष्प में बदल रहा है, तब एक बात बताओ जो द्रव का कण वाष्प में बदलेगा जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स वाष्प में तुम्हारा वेपर में बदलेगा वो मॉलिक्यूल्स को तो जगह ही नहीं है यहां पे अब जाने का, क्योंकि ये जगह तो ऑलरेडी पहले से जो वाष्प कण था वो भर लिया हुआ था और ऊपर जगह तुम्हारा बंद है तो ये वाष्प कण बाहर भी नहीं जा सकता है, तो जो नया वाष्प का कण बनेगा वो कहां जाएगा, तो वो क्या करेगा जब ये ऊपर जाएगा नया वाष्प का कण तो जो पुराना वाष्प का कण यहां पे है वो क्या करेगा उस नए वाष्प के कण को जगह देने के लिए ये पुराना वाला वाष्प कण क्या करेगा जगह खाली करेगा, और जगह खाली करेगा तो जाएगा कहां, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर से बंद है, तो जो नया वाला वाष्प का कण है पुराना वाला वो क्या होगा इस द्रव के अंदर आने की कोशिश करेगा ताकि नए वाले वाष्प के कण को क्या मिल जाए यहां जगह मिल जाए। तो क्या होगा यहां से, अब देखो जैसे ही आपका जितना मान के चलो अब जैसे पूरा का पूरा खाली जगह इस कंटेनर का भर गया वाष्प से, अब मान लो फिर भी द्रव का कण क्या बन रहा है वाष्प बन रहा है, लिक्विड का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल आपका वेपर में कन्वर्ट होगा तो सपोज करो अगर तीन लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इतने मॉलिक्यूल्स के वेपर को यहां जगह चाहिए, तो तीन ही लिक्विड का मॉलिक्यूल जो आपका वेपर पहले से यहां मौजूद था वो तीन वेपर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे इस लिक्विड में आने की कोशिश करेंगे, इस लिक्विड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे अब क्या हुआ कि जितना कण आपका वाष्प बन रहा है जितना मॉलिक्यूल्स आपका वेपर बन रहा है वापस उतना ही मॉलिक्यूल आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और इस फेनोमेना को इस स्टेज को जब कभी विलयन इस स्टेज में पहुंच जाता है इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम का स्टेज, क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम का स्टेज बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं साम्यावस्था।
अब देखो मतलब जैसे ही ये साम्यावस्था पे पहुंचा, मतलब क्या हुआ कि जितना कण वाष्प बन रहा है वापस उतना ही वाष्प का कण किस में बदल रहा है, द्रव में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये वाष्प का कण लिक्विड में आने की कोशिश करेगा तो ये वाष्प का कण इस लिक्विड के सतह पर, इस द्रव के सतह पर क्या लगाएगा, एक दाब लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, और इसी प्रेशर को, इसी दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझे, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अपने पास कोई एक बंद कंटेनर था जिसमें द्रव रखा हुआ था, लिक्विड रखा हुआ था, और आपको पता है कि लिक्विड के कण हमेशा वाष्पन अभिक्रिया करते हैं, इवेपोरेशन की प्रक्रिया करते हैं। तो जब ये लिक्विड के कण द्रव के कण इवेपोरेशन करेंगे, वाष्पन की प्रक्रिया करेंगे, तो क्या होगा, यहां से द्रव के कण, लिक्विड के कण वाष्प बन बन के ऊपर जाएंगे, और वाष्प बन के ऊपर जाएंगे तो यहां तो ये कंटेनर बंद है तो ये वाष्प इस कंटेनर के अंदर ही रहेगा। कहां पर रहेगा, जो जगह यहां खाली है, इस खाली जगह में ये द्रव का जो कण वाष्प बन रहा है, जो लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर बन रहा है, वो वेपर के मॉलिक्यूल इस खाली जगह में आ जाएंगे। और मान लो लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर बन रहा है, बनते बनते ये पूरा खाली जगह वेपर मॉलिक्यूल से भर गया, पूरा का पूरा खाली जगह किससे भर गया, वेपर मॉलिक्यूल से भर गया। लेकिन उसके बाद भी अब लिक्विड का मॉलिक्यूल किस में बदल रहा है, वेपर में। तो जो नया मॉलिक्यूल आपका वेपर में बदलेगा, जो नया कण आपका वाष्प में बदलेगा, उसको तो यहां जगह ही नहीं है, तो ये जाएगा कहां, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर बंद है। तो उस दरमियान क्या होगा, ये इधर से प्रेशर लगाएगा, जिससे जो नीचे वाला, जो पहले से जो पुराना वाष्प कण यहां मौजूद था, वो क्या करेगा, इस द्रव में आने की कोशिश करेगा। जितना मॉलिक्यूल अब आपका नया वाष्प में बदलेगा, उतना ही वाष्प कण, उतना ही क्या होगा, वेपर का मॉलिक्यूल किस में आने लगेगा, लिक्विड में आने लगेगा, मतलब वापस लिक्विड में बदलने लगेगा। और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं। तो जैसे ही ये विलयन आपका, ये आपका लिक्विड साम्यावस्था अवस्था में पहुंचा, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचा, तो अब क्या हुआ, ये लिक्विड आपका, ये जो वेपर का मॉलिक्यूल पहले से यहां था, ये आने लगेगा इस लिक्विड के अंदर में, जिससे ये इस द्रव के सतह पर, इस लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, एक दबाव लगाएगा, और इसी दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। संतोष कुमार, गुड इवनिंग बाबू, न्यू स्टूडेंट हो कोई बात नहीं, लगातार पढ़िए, मजा आएगा। तो समझ में आ गया वाष्प दाब क्या होता है, वही डेफिनेशन आपका यहां लिखा हुआ है, पढ़ो क्या होता है। देखो क्या बोला, साम्यावस्था की स्थिति में द्रव की सतह के ऊपर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। मतलब प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यही बात समझाए ना, वेपर प्रेशर क्या होता है, समझ गए किसी। देखो, और हम जब भी कभी वेपर प्रेशर वर्ड यूज करें तो तुमको दिमाग में रहना चाहिए कि जो हम लोग कंटेनर की बात कर रहे हैं, वो कंटेनर कैसा कंटेनर है, वो कंटेनर आपका क्लोज्ड कंटेनर है, वो एक बंद कंटेनर है। तो जब बंद कंटेनर में कोई द्रव रखा होगा, कोई लिक्विड रखा होगा, तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वाष्प में बदलेगा। जब ये कंटेनर से लिक्विड वाष्प में बदलेगा तो ऊपर तो जगह खाली है ना, जो वो बाहर चला जाएगा तो उस कंटेनर के अंदर ही रहेगा। तो जितना जगह कंटेनर में खाली है उस जगह में वो वाष्प भर जाएगा, और पूरा जगह भर जाने के बाद भी अगर मान लो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स वेपर में बदल रहा है तो जो पुराना वेपर मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, वापस जगह खाली करने के लिए कहां जाएगा, लिक्विड के अंदर आएगा। तो जितना मॉलिक्यूल वेपर में बदलेगा वापस उतना ही वेपर का मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। और जैसे ही ये विलयन आपका इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंचा तो अब जो लिक्विड का कण, आपका जो वाष्प का कण लिक्विड के अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो लिक्विड के सरफेस पे क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा, और इसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। क्लियर हो गया वाष्प दाब क्या होता है। देखो, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। मतलब अब जो ये वाष्प दाब बनेगा किसी लिक्विड का, वो वाष्प दाब क्या होता है, वो जो वेपर प्रेशर होता है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। वो बात क्या सब है, मास, शारदे, अभिषेक, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाबू अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही किया है, पढ़ाने के बाद ही ना क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे। देखो, जो प्रेशर, वेपर प्रेशर जिस फैक्टर पे अफेक्ट करता है, जो जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है आपका टेम्परेचर, तापमान। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है आपका, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। अब तुमको ये बात तो पता है कि हम लोग अगर, जैसे मान लो कोई द्रव है, सपोज करो एक बंद कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है,
एक बंद कंटेनर में क्या रखा हुआ है, कोई लिक्विड रखा हुआ है। अब इस लिक्विड में क्या हो रहा है, ये इवेपोरेशन का फिनोमेना कर रहा है, वाष्पन प्रक्रिया कर रहा है। और तुमको पता है कि जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है, जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, तेज हो जाती है, मतलब फास्ट हो जाती है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन उतना फास्ट होगा, इवेपोरेशन जितना फास्ट होगा और इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा मतलब उतने ज्यादा वाष्प बनेंगे, और वाष्प जितना ज्यादा बनेंगे उस वाष्प का दबाव भी इस सरफेस पे, इस लिक्विड के सरफेस पे, इस द्रव के सतह पे क्या होगा, उतना ज्यादा लगेगा। जो वाष्प जितना ज्यादा बनेगा वापस वो उतना ही ज्यादा किसमें आएगा, लिक्विड के अंदर आएगा साम्यावस्था पे, इक्विलिब्रियम पे, तो उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा। और हमको पता है कि तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर क्या होता है तुम्हारा, इवेपोरेशन की फिनोमेना बहुत तेज होती है, फास्ट होती है, जिस वजह से क्या होता है आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपके वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर में बनेंगे और ज्यादा ज्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे किस पे, आपके लिक्विड के सरफेस पे, द्रव के सतह पे। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि तापमान, जो वेपर प्रेशर होता है, जो वाष्प दाब होता है, वो समानुपाती होता है किसके, तापमान के। जो वाष्प दाब होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। तापमान बढ़ाइएगा आप क्या कर रहिएगा, ताप जितना ज्यादा वाष्प, अगर तापमान बढ़ाइएगा तो वाष्प ज्यादा बनेगा, तो वाष्प दाब भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो पहली बात समझ में आ गया, टेम्परेचर पर निर्भर करता है आपका वेपर प्रेशर, टेम्परेचर ज्यादा तो वाष्प दाब भी क्या होगा आपका, ज्यादा लगेगा। आ जाओ देखो, दूसरा है अणुओं के बीच परस्पर क्रिया का बल, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब सोचो, सुनो, तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर मान लो अपने पास कोई कंटेनर है, बंद कंटेनर, जिसमें मॉलिक्यूल ए का मॉलिक्यूल रखा हुआ है, मान लो ए का मॉलिक्यूल रखा हुआ है, मान के चलो यहां पे ए के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं। अब अगर मान के चलो, और तुमको इतना पता है कि हर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्या काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर आकर्षण बल, अंतराकर्षण बल। हर कण अणु के बीच में, हर कण के बीच में क्या होता है, अंतराकर्षण बल काम करता है, अंतराकर्षण बल काम करता है। अब सोचो अगर ये आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको टूटने में क्या लगेगा, समय लगेगा, और जब तक आपका द्रव का मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं तब तक वो वाष्प में बदलेगा नहीं। तो अगर अंतराकर्षण बल, इंटरेक्शन फोर्स क्या है, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, जल्दी नहीं टूटेगा तो जल्दी वाष्प नहीं बनेगा, और वाष्प जल्दी नहीं बनेगा तो ज्यादा वाष्प नहीं बनेगा, और ज्यादा वाष्प नहीं बनेगा तो वाष्प दाब भी आपका क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर अणुओं के बीच का आकर्षण बल ज्यादा है तो वो बल, तो वो अणु के बल, बीच का बल टूटेगा नहीं जल्दी, जल्दी नहीं टूटेगा तो वाष्प ज्यादा नहीं बनेगा, और ज्यादा वाष्प नहीं बनेगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर हम लोगों का अणु के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब उनका अंदर का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के, मतलब अणुओं के बीच क्रिया बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्प दाब। खुद सोच के देखो, अगर एक दूसरे को अणु को जोर से पकड़ के रखेंगे, हाँ वही तो बोले विष्णु की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, अगर अणु को जोर से पकड़ के रखेंगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, और अगर जल्दी नहीं टूटेगा भाई तो ज्यादा वाष्प नहीं बनेगा, ज्यादा वाष्प नहीं बनेगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये कहानी था आपका, इन दो बातों पर निर्भर करता है क्या, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब क्या होता है समझ गए, जब किसी बंद कंटेनर में आप किसी भी द्रव को रखोगे तो उसमें वाष्पन प्रक्रिया होगी, जब यह प्रक्रिया आपका इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाता है, साम्यावस्था में पहुंच जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उस द्रव के सतह के ऊपर में क्या होता है, वाष्प के द्वारा दाब लगने लगता है, क्योंकि वो लिक्विड के अंदर आने की कोशिश करेगा तो दबाव लगाते हुए अंदर आएगा ना, और उसी दाब को क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्प दाब बोलते हैं। ये वाष्प दाब दो बातों पर निर्भर करता है, ये वेपर प्रेशर दो बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन, एक तो आपका तापमान, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर
टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे तो आपका पता है इवेपोरेशन प्रोसेस उतना ज्यादा होगा, वाष्पन की प्रक्रिया उतनी ज्यादा होगी। वाष्पन जितना ज्यादा होगा वो उसका मतलब है कि आपका वेपर उसका आपका वाष्प उतना बनेगा, और वाष्प जितना बनेगा वाष्प दाब भी क्या होगा आपका उतना होगा। और दूसरा जिस बात पर निर्भर करता है वो निर्भर करता है किस पे, अणुओं के बीच आकर्षण बल पे, इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर दो अणु के बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा है तो दोनों अणु दूसरे को जोर से पकड़ के रखेंगे, जल्दी टूटेंगे नहीं, जल्दी नहीं टूटेंगे तो जल्दी वाष्प नहीं बनेगा, और जल्दी वाष्प नहीं बनेगा तो ज्यादा वाष्प दाब नहीं बनेगा, और ज्यादा वाष्प दाब नहीं बनेगा, ज्यादा वाष्प नहीं बनेगा तो ज्यादा वाष्प दाब भी नहीं लगाएगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है अंत आकर्षण बल के। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी। चलिए आगे, उससे पहले एक मिनट एक सेकंड का समय चाहते हैं। देखो अब आपको पता है बच्चों कि कल से हम लोगों का होली त्यौहार चालू हो रहा है, होली हम लोगों का, ठीक है, शिवम जवालिया हाय बाबू। हम लोग होली का त्यौहार बहुत ही रंगों का त्यौहार, खुशनुमा त्यौहार होता है, हम लोग खुशी से होली मनाते हैं, और आपको उसी खुशी को और दोगुना करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग कैसे पीछे हट सकते हैं। अगर इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो उनकी खुशी को और दोगुना करने के लिए हम लोग तो पीछे हट नहीं सकते हैं, तो आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस होली में एक बेहतरीन ऑफर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और जो भी बच्चे हमारे किसी भी तरीका का अगर बैच लेना चाहते हैं तो हर तरह के बैच पे आप लोगों को ऑफर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है मिशन 25 बैच जो अभी फिलहाल ऑफर में ही चल रहा था 999 में, लेकिन इस ऑफर के ऊपर में भी ऑफर दिया जा रहा है। जो पहले 999 का था बच्चों, वो मात्र अभी 899 में ये बैच मिल रहा है। पूरे एक साल साइंस का जितने भी टॉपिक होते हैं, सारे इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक, अगर कोई बच्चे आर्ट्स से पढ़ाई करना चाहते हैं हिंदी मीडियम आर्ट्स के लिए, तो उनके लिए भी 999 की जो बैच थी वो 899 कर दी गई है। और ये ऑफर आपका कहां से कब से कब तक है, 23 से 26 मार्च तक का ही है। तो 899 इतना कम फीस है, पूरे एक साल 12th की पढ़ाई करवाई जा रही है, साइंस हो चाहे आपका 800। तो जाके आपको इस बैच में क्या सब फायदा है, मैंने हर रोज आपको बताया, इस बैच में आपको जुड़ना चाहिए। ठीक, और अगर कोई बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो, बाबू अगर इस देखो मैं इंग्लिश को बढ़ावा नहीं देता हूं और नहीं मैं हिंदी को कम आंकता हूं, मैं बस इतना बोलता हूं कि जो अभी दुनिया का डिमांड है उसमें हमको ढलना पड़ेगा, जो वक्त का जरूरत है उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। और आपको पता है कि आप कितना भी अच्छा जानकार हो, कितनी भी अच्छी आपकी नॉलेज है, तो कहीं बाहर जाओगे काम करने के लिए, अपने ही देश के अंदर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह में जाओगे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि आप कभी बाहर से कोई आदमी आते तो आप उससे इंटरेक्ट कर सको। तो इंग्लिश की स्पीकिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपकी पर्सनैलिटी में एनहांसमेंट होती है। मैं नहीं बोलता कि आपको इंग्लिश ही हमेशा बोलना चाहिए, अपना हिंदी मातृभाषा उसको भी बढ़ावा देना है, लेकिन इंग्लिश आपको तो ये आना चाहिए किसी से आप बात कर सको, किसी के साथ आप टॉक कर सको, ताकि आपको कोई आदमी ऐसा ना समझे कि आप एक गवार टाइप का इंसान है जिसको यार इंग्लिश बोलने भी नहीं आता है। इंग्लिश से नॉलेज का पता नहीं चलता, लेकिन इंग्लिश से आपके पर्सनालिटी पे आजकल इफेक्ट पड़ता है। तो पर्सनालिटी एनहांसमेंट होना चाहिए, और किसी अच्छे जगहों पर काम करने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो इसीलिए आपको जो बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत है, उनके लिए हम लोगों ने प्लेटिनम, दो तरह का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स रखा है। एक प्लेटिनम स्पीकिंग कोर्स है जिसकी फीस कितनी है, जो पहले 999 था अभी 899 में है, और डायमंड स्पीकिंग कोर्स जो है जो 499 का था मात्र, उस पे अभी भी 100 का ऑफर चल गया है, और ये आपको अभी मात्र 399 मिलेगा। और ये सारे ऑफर आपका 23 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक का है। ठीक है, और इस बैच में क्या क्या सुविधाएं मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप इन दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो। आप लोगों का ध्यान यहां होना चाहिए इस नंबर पे। ठीक, ये एक ऐसे ही डमी कॉपी है, इसमें ये डमी कॉपी है, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ये आपका नंबर है, इसमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप क्वेरी ले सकते हो, आप किसी भी बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो उससे रिलेटेड। ठीक है भाई, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक को। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे किसका, रॉल्ट के नियम का। हम लोग अब अपना इस समझो तो ये एक तरह से आपके एग्जाम का क्वेश्चन ही है, किसी ना किसी वे में आपको यहां से रॉल्ट के लॉ से रॉल्ट के नियम से आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं समझ लो आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहली बात, ये रॉल्ट का, हम लोग का रॉल्ट लॉ क्या होता है, सुनो मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूं, सुनना बात को गौर से। देखो मान लो अभी अपने पास एक कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में मान के चलो अभी अपने पास यहां पर लिक्विड है, लिक्विड का यहां पर मान के चलो मिक्सचर है, दो तरह के लिक्विड है, लेट अस सपोज क्या है, दो तरह के लिक्विड है, ए भी है और बी भी है, मतलब ए के मॉलिक्यूल है और बी के मॉलिक्यूल है, ए के मॉलिक्यूल है और किसके मॉलिक्यूल है, बी के मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है यहां से
ए के मॉलिक्यूल के भी वेपर बनेंगे और बी के मॉलिक्यूल के भी वेपर बनेंगे। ए के मॉलिक्यूल भी वाष्प में बदलेंगे और बी मॉलिक्यूल भी किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। और जब यह साम्यावस्था में पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाएगा, साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाएगा, तो क्या होगा यहां पे? साम्यावस्था अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाएगा तो क्या होगा, जो आपका वेपर है यहां से, जो आपका वाष्प होगा इसमें, ये वाष्प क्या करेगा, इस लिक्विड के अंदर आने की कोशिश करेगा और इस लिक्विड के सरफेस पे, इस द्रव के सतह पे क्या करेगा, आपका वेपर प्रेशर लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा। अगर मान लो केवल ए होता यहां पे, बी नहीं होता, या केवल बी होता, मतलब एक ही तरह का द्रव होता, एक ही तरह का लिक्विड होता, तो यहां जो भी वेपर बनता केवल उसी लिक्विड का बनता, तो इस सतह पे, इस द्रव के सतह पे जो भी प्रेशर लगता वो प्रेशर केवल किसका लगता, उसी का लगता। अगर मान लो केवल ए होता यहां पे, तो केवल ए, अगर मान के चलो ए का मॉलिक्यूल होता तो वेपर केवल ए का बनता, तो वाष्प वेपर प्रेशर भी केवल किसका होता, ए का होता। और जब प्योर वेपर प्रेशर हम लोग दर्शाते हैं, केवल एक ही तरह के लिक्विड का वेपर प्रेशर दिखाते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं पी नॉट ए। अगर ए है, ए मान लेते हैं, इस लिक्विड का नाम हम लोग दे दिए ए का मॉलिक्यूल, तो पी नॉट से उसको दिखाया जाता है पी नॉट। पी नॉट ए मतलब केवल ए का वाष्प दाब यहां पे काम कर रहा है, केवल ए का वेपर प्रेशर काम कर रहा है। लेकिन सोचो इसमें एक दूसरा लिक्विड भी रहता है या कोई दूसरा गैस रहता है, मान लो कोई दूसरा लिक्विड इसमें मिला हुआ रहता, जैसे मान लो यहाँ पे बी भी मिला दिए, तो अब यहाँ पे वेपर ए का भी बन रहा होगा और वेपर बी का भी बन रहा होगा, तो वेपर प्रेशर जो लग रहा होगा इस द्रव के सतह पे वो ए का भी लग रहा होगा और किसका लग रहा होगा, बी का भी लग रहा होगा। तो जब अगर अलग अलग तुम्हारा लिक्विड का वेपर बनने का वाष्प दाब लगे, डिफरेंट लिक्विड के वेपर प्रेशर अगर आ जाए, अलग अलग लिक्विड का वाष्प दाब आ जाए, तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर इसको बोलेंगे, एक का पार्शियल वेपर प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं आंशिक दाब। क्या बोलते हैं, आंशिक दाब। अगर केवल ए होता, केवल ए होता, तो इसको बोलते ए का प्योर प्रेशर, जिसको हम लोग पी नॉट ए से दिखाते हैं। अगर एक के अलावा दूसरा भी यहां पे लिक्विड है, दूसरा भी द्रव है, तो जब अगर एक से अगर अलग अलग द्रव आ जाए, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, पी नॉट नहीं, प्योर प्रेशर नहीं, बल्कि आंशिक दाब बोलते हैं उसको, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं उसको, दिखाते हैं केवल पी से। तो पी ए मतलब ए का पार्शियल प्रेशर, पी बी मतलब बी का पार्शियल प्रेशर, मतलब इस सतह पे ए का भी प्रेशर लग रहा होगा और बी का भी प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ज्यादा प्रेशर किसका होगा, ज्यादा प्रेशर पार्शियल प्रेशर ए का होगा कि बी का होगा, किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, तुम खुद सोच के देखो, जिसका मात्रा इसमें ज्यादा होगा, जिस द्रव का, जिस लिक्विड का अमाउंट इसमें ज्यादा होगा, उसका वेपर ज्यादा बनेगा, और अगर जिसका उसका वेपर ज्यादा बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा बाबू, ज्यादा लगेगा। मतलब और मात्रा को हम लोग किससे दिखाते हैं, मात्रा को हम लोग मोल फ्रैक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन जब पढ़ाए थे, सांद्रता जब पढ़ाए थे, तो सांद्रता को दर्शाने का एक तरीका मोल फ्रैक्शन भी होता है, मोल अंश भी होता है। मतलब जिसका मोल अंश ज्यादा, मतलब मोल अंश मतलब क्या, उसकी टोटल कुल मोल में से उसकी अंश ज्यादा है, मतलब उसकी मात्रा ज्यादा है, जिसका मोल अंश ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा बनेगा, और मतलब वाष्प ज्यादा बनेगा, और जिसका वाष्प ज्यादा बनेगा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा बनेगा। मतलब अगर पी ए आपका ज्यादा, अगर मान के चलो हम बोले कि मोल ए का मोल ज्यादा है किससे, बी से, तो इसका मतलब है कि ए का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा किससे, बी के पार्शियल प्रेशर से, पी के पार्शियल वेपर प्रेशर से। तो रॉल्ट साहब ने इसी लॉजिक के चीज को एक लॉ में बदल दिया। तुमको पता है कि अब यहां पे तुम जितना ज्यादा ए बढ़ाओगे, जितना ज्यादा बी बढ़ाओगे, उसका प्रेशर उतना ज्यादा बनते चला जाएगा, क्योंकि जितना ए होगा उसका वेपर उतना बनेगा, जितना बी होगा उसका वेपर उतना बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी उसका क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा लगेगा। मतलब अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, मोल का वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, तो उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो इसी बात को हमारे रॉल्ट साहब ने जो थे, उन्होंने क्या कर दिया, एक लॉ के रूप में बोल दिया। और उन्होंने क्या बोला कि किसी भी लिक्विड के ऊपर लगने वाला जो वेपर प्रेशर होता है, किसी भी दिए गए तापमान पर किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब एट अ गिवन टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि
एक का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो एक का मोल अंश उसमें जितना होगा उसके क्या होगा वो सीधा समानुपाती होगा। मतलब ए का वैल्यू जितना, मतलब उसकी मोल अंश जितनी, उसका वाष्प उतना ज्यादा बनेगा। कॉमन सेंस से सोचो ना, तुम दो लिक्विड लिए हो एक साथ मिला करके, तो जिस लिक्विड का मात्रा ज्यादा होगा भाई वो वाष्प ज्यादा बनाएगा, वाष्प ज्यादा बनाएगा तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। और मात्रा को हम लोग मोल अंश से भी दिखा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से भी। तो जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। मतलब क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि जो किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है पार्शियल वेपर प्रेशर, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा वैल्यू, जितना ज्यादा मात्रा होगा उसकी, उसकी वेपर प्रेशर भी उतनी ज्यादा लगेगी। तो यही बात राहुल साहब ने अपने रूल में बोल दिया कि किसी टेम्परेचर फिक्स रखना है, किसी निश्चित तापमान पे, एट अ गिवन टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब किसी दिए गए तापमान पर किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। कहानी खत्म है, कहानी खत्म है। यही तो राउल्ट का नियम था। तुम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, अगर मैं बात करूं कि पी ए प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ए के, पी बी प्रोपोर्शनल होगा किसके, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, जितना उसका मोल का अंश होगा उस सॉल्यूशन में उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर होगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमको ये वैल्यू पता लगाना है कि आखिर ए का पार्शियल प्रेशर होगा कितना, बी का पार्शियल प्रेशर होगा कितना, हमको ये वैल्यू पता लगाना है। अगर हमको ये वैल्यू पता लगाना, आपने तो ये बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर, मतलब मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा उसकी प्रेशर भी, पार्शियल प्रेशर भी उतनी ज्यादा। लेकिन अगर हमको इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा क्या इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का? बिल्कुल होगा। क्या, देखो इतना पता चल गया जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर हमको फॉर्मूला बनाना है तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को, इस समानुपाती के चिन्ह को हटा करके यहां पे कोई कांस्टेंट को स्थिरांक यूज करना पड़ेगा। और यहां जो कांस्टेंट, जो स्थिरांक हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है, अभी जस्ट बताए हैं, अगर किसी कंटेनर में केवल ए रखा हुआ है तो यहां जो वाष्प दाब काम करेगा वो केवल ए का ही वाष्प दाब होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ए का ही वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी केवल ए का ही होगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट ए से। इसलिए पी ए बराबर अगर निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, ए का आंशिक वाष्प दाब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, P not B into mole fraction of B। ये होता है पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? चलो अब सुनो, मान लो अभी तुम्हारे पास यहां पे एक कंटेनर था जिसमें केवल क्या रखा हुआ था, A रखा हुआ था, जिसमें केवल A रखा हुआ था, तो यहां पे केवल A का प्रेशर बन रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे, P not A। मान लो अपने पास एक और कंटेनर है जिसमें केवल क्या रखा हुआ है, जिसमें केवल मान लो B रखा हुआ है, इसमें केवल बी रखा हुआ है, तो अब यहां जो वेपर बन रहा होगा वो केवल बी का, तो वेपर प्रेशर भी जो काम कर रहा होगा केवल बी का, तो उसको किससे दिखाएंगे, पी नॉट बी से। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करके क्या बना लिया बच्चों, हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। मिक्स करके क्या कर लिया, हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, और सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें ए भी होंगे, बी भी होंगे, ए भी होंगे, बी भी होंगे, क्योंकि ए और बी को मिला दिए तो मॉलिक्यूल ए का भी होगा और मॉलिक्यूल बी का भी होगा। तो यहां जो वेपर प्रेशर काम कर रहा होगा वो ए का भी काम कर रहा होगा और बी का भी काम कर रहा होगा, और जब एक से ज्यादा लिक्विड हो जाएंगे तो उसके वेपर के लिए हम लोग प्रेशर के लिए क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो पी ए और पी बी दोनों काम कर रहा होगा। अगर हमको इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब बच्चों अगर हमको पी टोटल निकालना है, अगर कुल वाष्प दाब निकालना है इस विलयन का, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जितना वाष्प दाब ए लगा रहा होगा और जितना वाष्प दाब बी लगा रहा होगा उसको जोड़ देंगे तो इस विलयन का, इस सॉल्यूशन का कुल वेपर प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो ए कितना वाष्प दाब लगाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी कितना लगाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ए का पार्शियल प्रेशर निकालना अभी जस्ट आपको सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं, P not A into mole fraction of A plus B का क्या सिखाया है, P not B into mole fraction of B। तो ये फॉर्मूला होता है किसी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालने का, किसके लॉ से, रॉल्ट्स के लॉ से, रॉल्ट्स के नियम से, रॉल्ट्स के लॉ से, रॉल्ट्स नियम से।
तो अगर आपको किसी विलयन का, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो रॉल्ट के नियम के हिसाब से निकाल सकते हो। रॉल्ट का नियम के हिसाब से क्या होगा, पी टोटल किसी विलयन का टोटल प्रेशर बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हो गया आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का कुल वाष्प दाब, है यार क्या पढ़ाएं तुम लोगों को, पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, संख्या ने इतना मेहनत करके पढ़ाएं, इतना टॉपिक को क्लियर कर करके पढ़ाएं, एनालाइज करके पढ़ाएं, लॉजिकल चीज सबको पढ़ाएं और बच्चे नहीं आए तो फिर कैसे मजा आए बताओ, कैसे मजा आएगा भाई। जहां से आपको इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है आप लोग वहीं से दूर भाग रहे हो, कैसे मजा आएगा। चलिए तो पी टोटल निकालना सीख गए, पी टोटल निकालना सीख गए हाँ कि ना। देखो इसमें ये था आपका वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ, अब इसमें कुछ पॉइंट बच गया रॉल्स लॉ का, जिसमें हम लोग देखेंगे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस की बातें, मतलब वाष्पशील और अवाष्पशील विलय के कहानी के साथ रॉल्ट का नियम कैसे बदलता है उसकी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन हमको आज का लेक्चर अब आगे बढ़ाने का इच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चे हैं नहीं, पता नहीं कहाँ बिजी हैं, होली खेलने में बिजी हैं पता नहीं कहाँ, इसलिए हम लोग आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपको एक ही बात बोलना चाहेंगे कि कल हम लोग कोशिश करेंगे कि मिले एक बार वापस क्लास कल कराएं, अगर कल क्लास आपकी नहीं हो पाती है किसी कारणवश देन आपकी क्लास मंगलवार को पुनः चलेगी, और अगर कल मिले तो ठीक है, तो नहीं तो अगर आज हमारी होली से पहले आपकी आखिरी क्लास हो सकती है मे भी, अगर कल आए तो कल भी क्लास चलेगी, आपको थंबनेल पता चल जाएगा थंबनेल से। ठीक, अगर नहीं हुई तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को जो भी मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को होली की बहुत बहुत बधाई हो। इतू भाई हेलो बाबू, ठीक, और आप लोग मस्ती में होली खेलें, खूब इंजॉय के साथ खेलें, अपने जीवन को खूब खुशियों से भरें, कलर कलर की तरह ही रंग बिरंगा आपका जीवन हो। और बच्चों अभी आपके लिए ओके साइंस एकेडमी पे, ओके ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से हर प्रकार के कोर्स पे आपको छूट दी जा रही है, ऑफर में ये बैच चल रहा है, पूरा ट्वेल्थ की कोर्स आपको मात्र 899 रुपया में भी ऑफर में करवाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं बाबू यहाँ पे पढ़ाई होता है आपको ओके साइंस एकेडमी पे बोर्ड बेसिस, एंड आपको बोर्ड के साथ साथ आपकी नीट जेई की बेस भी यहाँ पे मजबूत करवाई जाती है। ठीक है, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं टेंथ के ट्वेल्थ का, उन बच्चों के लिए यहाँ पे अभी लगातार क्लास चल रहा है, 7 से लेकर 10 ओके साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल है हमारा, और ऐप हमारा ओके ऑनलाइन एकेडमी के नाम से आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे 7 से 8 आपको मैथ और बायो पैरेलल चलता है, मैथ वाले बच्चे मैथ पढ़ते हैं, बायो वाले बच्चे बायो की क्लास करते हैं, 8 से 9 आपकी फिजिक्स और 9 से 10 आपकी केमिस्ट्री। सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोगों ने चौथा लेक्चर आज लेकर के आया था, और बच्चे की संख्या उतनी अच्छी नहीं नजर आने की वजह से मैं जहां तक पढ़ा दिया हूं आज की क्लास को मैं वहीं स्टॉप करता हूं। जितनी बातें मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर से रिलेटेड, जाके दोबारा वीडियो देखना, एनालाइज करना बातों को, सोचना। साइंस में जब तक एनालाइज नहीं करोगे प्यारे बच्चों, मैं इतु भाई अगर आप ट्वेल्थ में हो पीसीएम है तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी वेलकम है, यहाँ पे आप स्वागत है आपका, आप आइए डेली यहाँ पे लगातार क्लास करिए। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो भी बच्चे अभी हो कि यहाँ पे मैं पर डे आपको बता रहा हूँ कि 7 से 10 आपके ओके साइंस एकेडमी पे आप दीजिए। अभी कुछ देर पहले इस 2024 का साइंस का रिजल्ट के लेकर कुछ बच्चे हमारे आए थे जो पिछले साल रिजल्ट दिए थे, एक बच्चा था एकलव कुमार, अभी एक ही बच्चा रिजल्ट बताया, मैं आप लोगों को मिलाऊंगा यहाँ के टॉपर्स बच्चों से जिसको केमिस्ट्री में इस साल 88 मार्क्स आया है, और इनको जो 80 मार्क्स आया है वो यहाँ के ऐप से भी पढ़ाई किए थे और यहाँ YT चैनल से भी पढ़ाई किए थे, YouTube से भी लगातार जुड़े हुए बच्चे थे। तो ये तो 88 मार्क्स अभी एक बच्चे का आया है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास जिनको अभी बहुत बच्चों से बात हुई है, 95 प्लस भी कुछ बच्चों को मार्क्स आए हैं। ठीक है, मैथ में मेरे यहाँ कुछ बहुत ऐसे बच्चे पढ़ के गए हैं अभी मैथ्स वाले बच्चों जिनको 98 मार्क्स भी आया है, और मैं ये आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ, हम लोग आपको दिखाएंगे बात करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग झूठ नहीं बोलते और फांकीबाजी नहीं होती, यहाँ की क्लास भाई क्वालिटी एजुकेशन होती है, जो जेन्यून पढ़ने वाले बच्चे हैं
वो जो लगातार जुड़ते हैं उनको आइडिया लगता होगा कि यहाँ पे जो क्लास करवाई जाती है वो ऊपर ऊपर क्लास नहीं होती है भाई, आपको हर एक टॉपिक का डेप्थ नॉलेज के साथ और एनालाइजेशन के साथ यहाँ पढ़ाया जाता है। और साइंस ऑल अबाउट एनालाइजेशन, जितना एनालाइज करोगे बच्चों चीजों को आप उतने अच्छे से साइंस को समझोगे, चाहे आप वो बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई लेवल की तैयारी कर रहे हो, जितनी एनालाइज करोगे बातों को उतने अच्छे से समझोगे और उतने अच्छे से साइंस पे पकड़ बनेगी। और जिस दिन साइंस सब्जेक्ट में तुमको इंटरेस्ट आ गया ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको लाइफ के किसी काम में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़िए और एनालाइज करके चीजों को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, जितना पढ़ाएं उतना कंप्लीट करिए। सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोगों ने चौथा लेक्चर आज लेकर के आया था, इसमें भी कुछ पॉइंट वेपर प्रेशर और सोलह में बच गए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आप लोगों को अभी जो बच्चे कल हम लोगों का परसों हम लोगों की होली है, कल होली का दहन है रात में, तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग खूब मस्ती में होली खेलिए, खूब इंजॉय करिए और फिर हम लोग बैक टू द पढ़ाई हम लोग को हो जाना है, अपनी पढ़ाई पे सीरियस हो जाना है, ठीक है। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मस्त रहिए और खूब पढ़ते रहिए। और एक बार पुनः आप लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। चलिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, लव यू ऑल। और सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक करेंगे और बच्चों कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पे, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच।